मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। टॉस के बाद मुझे एक थॉट आया कि यार रोहित भाई ने पहले तो सिर्फ 5 बैट्समैन खिलाए और ऊपर से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले ली। अरे भाई, अगर टीम में ज्यादा बॉलर्स खिलाए हैं तो बाद में बॉलिंग करो ना, ताकि तुम्हारे पास ऑप्शंस तो रहे कि अगर एक बॉलर फेल हो गया तो दूसरा डालेगा और टोटल डिफेंड करने में आसानी होगी। लेकिन जब फर्स्ट इनिंग्स हो गई और साउथ अफ्रीका ने 227 रन बनाए, तब मुझे ये समझ आया कि रोहित भाई अपने बॉलर्स को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं और उनको बॉलर्स पर पूरा भरोसा है कि अगर पहले बैटिंग करते हुए 230 से कम रन बनाए तो 100% मैच हार जाएंगे। बहुमा भाई ने खाता खोल दिया। भाई साहब, बहुमा के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि खाता खोलने पर भी 50 वाला सेलिब्रेशन करने का मन करता है। भले ही बहुमा भाई हमारी ओपोजिशन टीम की तरफ से है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचारा स्कोर करे, क्योंकि वो होता है ना, जो कमजोर लगता है हमें उसके लिए मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसी तरह से मुझे बहुमा भाई के लिए फील होता है। लेकिन कुछ भी हो, तेंबा बहुमा को देखकर मेरे अंदर ये होप जग गई है कि अगर उसको भगवान साउथ अफ्रीका का कैप्टन बना सकता है ना, तो मेरे लिए उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। बहुमा ने बैटिंग अच्छी की हो या ना की हो, लेकिन उसके हिस्से के रन तो रूसो और डीकॉक ने बना लिए। ऐसा धोया हमारे बॉलर्स को कि बिना निर्मा लगा ही अच्छी तरह से चमका दिया। लेकिन रोहित भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर आपने 6 बॉलर्स खिलाए तो फिर 6 बॉलर को सिर्फ एक ही ओवर क्यों दिया? उससे अच्छा तो मोहम्मद सिराज की जगह शाहबाज अहमद को खिला देते, कम से कम बैटिंग तो कर लेता ठीक ठाक। सिराज भाई, आप विकेट नहीं लेते, रन भी बहुत ज्यादा देते हो, लेकिन कम से कम कैच तो पकड़ो। 2 कैच छोड़ दिए, चलो आपने कैच भी नहीं पकड़ा तो उसे भी मैंने माफ कर दिया, लेकिन 9 बॉल पर विकेट लेकर कम से कम जले पर नमक तो मत छिड़को। भाई 17वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ कि सिराज भाई ने विकेट ले ली, लेकिन बाद में पता चला कि वो ज्यादा हाइट की वजह से उसे 9 बॉल दे दिया अंपायर ने। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जो फ्री हिट मिला था उस पर भी स्टम्प्स ने स्टम्प्स को पैर मार दिए। स्टम्प्स ने सोचा होगा कि फ्री हिट पर आउट तो नहीं हो सकता मैं, तो क्यों ना आउट होकर ही देखे। आउट होकर भी ना आउट होने की फीलिंग कैसी होती है ये तो पता चल जाएगा। सिराज भाई ने पूरे मैच में सब कुछ गलत किया, लेकिन एक चीज उन्होंने ऐसी की जिससे मैंने उनकी सारी गलतियां माफ कर दी, और वो था 19th ओवर में सिर्फ 11 रन देना। जिस ओवर से बुमराह, भुवी और अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर नहीं बच पाए, उसमें सिराज भाई ने जब सिर्फ 11 रन दिए ना, तो मुझे उनमें देव मानुष दिखाई देने लगा। तो राम निकला है, देव मानुष निकला। 19वें ओवर की खुशी खत्म ही नहीं हुई थी, लेकिन 20वें ओवर में दीपक भाई ने 24 रन दे दिए। सत्यानाश, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मिलर ने सिर्फ 2 बॉल में 3 छक्के मार दिए, क्योंकि एक बॉल तो 9 बॉल थी। मैच से पहले जब रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को पूछा होगा कि बोल बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, तो ऋषभ भाई ने बोला होगा बैटिंग दे दो यार, तो रोहित भाई ने भी बोल दिया तथास्तु और सीधे ओपनिंग भेज दिया। ऋषभ भाई भी ऐसी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पिछले सभी मैचों की बैटिंग इसमें ही कर लेंगे और बर्थडे पर सेंचुरी मारकर रोहित भाई को रिटर्न गिफ्ट देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ भाई को रिटर्न गिफ्ट देना पसंद नहीं है, 27 रन बनाकर आउट ही हो गए। हमारे डीके भाई का भी कल बैटिंग में प्रमोशन हुआ और आते ही वो ऐसे शॉट खेलने लगे कि ऐसा लग रहा था कि 15 ही ओवर में मैच खत्म कर देंगे। लेकिन पता नहीं ये महाराज कैसे भूल गया कि वो इंडिया की तरफ से खेल रहा था, आउट ही कर दिया डीके भाई को। देखो भाई, मैं बिल्कुल नहीं भूला था कि आपकी तरफ से खेल रहा हूँ, लेकिन तुमको डीके भाई को भी समझाना चाहिए था ना। डील ये हुई थी कि मुझे कोई रन नहीं मारेगा और मैं किसी की विकेट नहीं लूंगा, लेकिन ये दिनेश कार्तिक ने छक्का मार दिया। फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक सिक्स गलती से लग गया होगा, लेकिन अगली बॉल पर भी छक्का मार दिया। फिर मैं कैसे चुप बैठता, उधर से बहुमा भी चिल्ला रहा था, तो फिर मैंने भी विकेट ले ली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस मैच में एक और बात अच्छी हुई, वो ये थी कि सबको बैटिंग मिल गई। जब सबने जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, तब दीपक भाई और उमेश यादव ने ऐसी बैटिंग की कि ग्राउंड में बैठे क्राउड का उन्होंने एंटरटेनमेंट कर दिया। कम से कम उन्होंने जो पैसे खर्च किए थे उसकी तो भरपाई हो गई। वो बाबर आजम को सामने रख के बात होनी पड़ेगी, इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो चपत रसीद हो रही है। देखो भाई, खुद रमेश राजा जब ईसीबी के चेयरमैन नहीं बने थे तो वो बाबर आजम को स्लो बैटिंग के लिए सेल्फीज बोल रहे थे और ट्रोल कर रहे थे। रमेश भाई जल्दी डिलीट कर दो यार ये वीडियोस, नहीं तो कोई देख लेगा। मैं और कितने प्रूफ दूं यार कि सिर्फ हम इंडियंस ही पाकिस्तान टीम का मजाक नहीं बनाते। विराट एज आरसीबी कैप्टन, ये जो तेरा टॉर्चर है ना, वो मेरा वार्म अप है। आज रोहित भाई को समझा होगा विराट कोहली का दर्द। रन स्कोर्ड बाय रबाडा इन दिस सीरीज 7,
रन स्कोर्ड बाय बोमा इन दिस सीरीज 3। ऐसा लग हर किसी का नहीं होता बोमा भाई, या तो सेंचुरी में सेंचुरी मारने के बाद इंडियन टीम में जगह नहीं मिलती और आप तो कैप्टन बन गए हैं। सही है यार आपका। रोहित शर्मा आफ्टर रियलाइजिंग नोबडी विल ब्लेम हिम फॉर हिज 2 डक्स बिकॉज ही वॉन द सीरीज। वीक जोन ऑफ रोहित शर्मा, पूरी पीछे वीक जोन है रोहित भाई की। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना।